हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये हमने लिया है 1 किलो बकरे का मीट। इसे हमने अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज मैंने 1/2 किलो लिया है और इसे अच्छी तरह से छील करके साफ कर लेना है और धो लेना है। धो करके इसे हमें मोटा मोटा काट लेना है। प्याज हमने मोटे मोटे काट लिए हैं और मीट हमारा धुल चुका है। तो इसके मैरिनेशन के लिए हमें यहाँ मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए हमने लिया है साबुत लाल मिर्च 3 बड़े चम्मच, धनिया पाउडर 3 बड़े चम्मच, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, अदरक छिली हुई 2 इंच, तेज पत्ता। अब हमें यहाँ अदरक, जीरा, धनिया और लाल मिर्च को मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे पीस लेना है अच्छी तरह से मिक्सी में। अब हम सभी मसाले को इकट्ठे पीस लेंगे। मिर्च मैं यहाँ 10 से 12 ली हूँ, लेकिन अगर आप तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम कर सकते हैं। तीखा आप जितना खाते हो मिर्च की क्वांटिटी आप उतनी रखें। बाकी मसालों का क्वांटिटी यही रहने दें। और इसमें अब थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें एक थिक पेस्ट इसका बना लेना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे अभी पीस करके हमें एक थिक पेस्ट बना लेना है इसका। ये देखिए हमारा मसाला अब पीस चुका है। हमारा मसाला पीस कर तैयार हो गया है। तो अब हमें इन सभी को मिक्स करके मीट को कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके हमें छोड़ना है, ताकि ये अच्छी तरह से सभी मसालों के साथ इसका भींग जाए और इसका स्वाद अच्छा हो। तो इसके लिए हमने प्याज, तेज पत्ता और अब यहाँ हम डालेंगे हल्दी। हल्दी, नमक, ये मिर्च, ये इन तीनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से डालें। नमक बिल्कुल आप जितना खाते हो वो उस हिसाब से ही आपको नमक का क्वांटिटी लेना है। मैं यहाँ 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, लेकिन नमक आप अगर कम खाते हो तो कम डालें। और ये सेम चीज़ मिर्ची के साथ भी है। मिर्च भी आप अपने अंदाज से लें जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ इसमें डालेंगे जो हमने मसाले पीसे थे, वो पेस्ट यहाँ पे हमें डाल लेना है। और इसके साथ ही अब यहाँ हमें डालना है तेल। तेल मैं यहाँ सरसों का तेल ली हूँ और ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम के आसपास मैं इसमें सरसों का कच्चा सरसों का तेल डाली हूँ। और यहाँ पर हम आपको भी तेल सरसों का ही डालना है, इसमें रिफाइंड ऑयल हमें नहीं डालना है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ यहाँ नहीं करना है, क्योंकि इसका मटन का एक सरसों तेल में एक अलग सा ऑथेंटिक टेस्ट आता है। हम जब मिथिला के लोग कुछ भी सब्जी, मीट, मछली ये बनाते हैं तो इसमें हम सरसों तेल ही यूज़ करते हैं, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखिए हमारा मिक्स अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक करके इसे छोड़ देंगे भींगने के लिए। अगर आपके पास समय कम हो, फिर भी कम से कम 1/2 घंटा तो आप इसे ज़रूर मिक्स करके भींगने के लिए छोड़ें। ये देखिए हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब हम यहाँ गैस ऑन कर लिए हैं और इसे अब हमें भूनना है। तो इसके लिए आप जब भी कोई बर्तन ले तो थोड़ा थिक पेंदी वाला और खुला मुंह का, तो इसीलिए मैंने इस तरह का कुकर लिया है जिसका जो कि थिक पेंदी भी है और मुंह भी खुला हुआ है, जिसे चलाने में आसानी होती है। अब मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ फोरन के लिए। घी को हमें गर्म कर लेना है और घी यहाँ 4 चम्मच हम लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ घी या तेल जो भी आप ले, अगर घी ले तो ज़्यादा ही अच्छा है। और इसमें हम सिर्फ यहाँ पर फोरन में सिर्फ जीरा डालेंगे। जीरा हमारा पक चुका है। तो अब यहाँ हमें धीरे धीरे करके मटन डाल करके हल्का सा चलाते हुए इसे भून लेना है। जब भी आप, जैसे अभी गर्म है ज़्यादा,
तेल, तो यहाँ पर गैस को कम कर लें, उसके बाद आप इसमें मटन डालें ताकि उछले ज़्यादा उछल करके ज़्यादा तेल उड़े नहीं। और मटन लेते समय आप देख रहे होंगे कि हमारे मटन में एक फैट का ऐसा टुकड़ा जैसा है, तो वो भी आप ज़रूर लें ताकि जब आप मटन को भूनेंगे तो वो तेल जैसा पिघल करके निकलता है और उससे मटन सॉफ्ट भी होता है, तो वो आप फैट ले सकते हैं मटन लेते समय कह करके थोड़ा सा फैट उसमें दे दें। इसी तरह से अभी हमें इसको तेज आंच पर ही हम चलाते रहेंगे। से कम यहाँ पर अभी आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें ढक करके भूनते हुए इसे 40 से 45 मिनट भूनना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट भून के तैयार होगा। इसमें हमें कोई भी पानी नहीं डालना है, सिर्फ हमें भूनना है इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख करके। ये देखिए इसी तरह से सिर्फ ढक्कन रखना है, बंद नहीं करना है, सीटी भी नहीं डालना है, और अभी हम तेज आँच पर ही इसे भूनेंगे। 2 मिनट के लिए मैं ढकी थी, फिर ढक्कन हटा करके फिर से मैं इसे चलाऊंगी। और इसमें पानी हमें बिल्कुल ही नहीं डालना है, सिर्फ हमें प्याज को ढक्कन जब हम ढकते हैं तब जो थोड़ा बहुत स्टीम निकलता है उसमें ही पकाना है हमें। तो इसी तरह से बार बार आप भी 1-1.5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढके ढक्कन रख दें और फिर उसे चलाएं, फिर ढक्कन रखें और फिर से उसे चलाएं। तो अभी हम तेज आंच पर इस तरह से कम 10 मिनट तक हम भूनेंगे, इसके बाद इसे हम कम करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा 10 से 12 मिनट करीब हो चुका है, बार बार ढक्कन हटा करके हमने इसे भूना है और इसमें कोई पानी नहीं हमने डाला है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे कुकर का पेंदी मोटा है तो ये बिल्कुल जलेगा भी नहीं और आसानी से आप इसे भून सकते हैं। तो आप भी बर्तन का ध्यान रखें, थोड़ा मोटा पेंदी वाला ही बर्तन लें और चौड़े मुंह वाला। अब हम यहाँ पर गैस को कम कर लेंगे और फिर से हम ढकेंगे कम से कम इसे। अब इसी तरह से आधा घंटा करीब हमारा हो चुका है और अब ये हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। 10 मिनट तेज आंच पर भूनने के बाद जब हम कम आंच पर आधे घंटे के लिए भूने हैं तो ये देखिए हमारा पूरी तरह से ये सारा का सारा प्याज भी गल चुका है, सारे मसाले हमारा पक चुका है और हमने यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, अभी तक पानी का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ स्टीम और जो प्याज है उसमें ही हमने इसे भूना है और प्याज पूरी तरह से गल चुका है। तो इसी तरह आपको भी एक दो मिनट के लिए ढकना है और फिर उसे अच्छी तरह से चलाते हुए करीब करीब आपको कम आंच पे आधा घंटा, तेज आंच पे 10 मिनट के लिए इसे आपको करना भूनना है, तो फिर ये ऐसा पक कर के तैयार हो जाता है। आप देखें यहाँ पे तेल दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर मैं 2 टीस्पून डाली हूँ, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं लिंक दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। इसे अभी 1-2 मिनट हम यहाँ चलाएंगे, इसके बाद हम फाइनल अब ये हमारा तैयार है। तो इसमें अब हम ग्रेवी डाल लेंगे। ग्रेवी डाल करके यहाँ हमें सीटी लगाना है इसे, तो सीटी भी हम 1 सीटी तेज आँच पर और दूसरा सीटी हम इसे आँच को कम करके लगाएंगे। तो ये हमारा अब भून चुका है अच्छी तरह से। अब हम यहाँ इसमें ग्रेवी डालेंगे। तो ग्रेवी मैं यहाँ लगभग 1 लीटर के आसपास डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे पकने के बाद जब ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ेंगे तो काफ़ी पानी ये सक कर लेता है, तो हमें ग्रेवी चाहिए होता है, इसके लिए हमें यहाँ 1 लीटर पानी इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके यहाँ हमें इससे बंद करके सीटी लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा, तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं और हमें भी बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमने फाइनल ग्रेवी डाल दिया है इसमें,
अब हम बंद करके इसे एक सीटी तेज आंच पर एक सीटी कम आंच पर लगा लिया है और अब हम गैस यहाँ बंद कर लिए हैं। इसे अब हम अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हमें इसका वेट उठा करके नहीं इसका निकालना है स्टीम। ये देखिए हमारा 20-25 मिनट हो चुका है और अब ये ठंडा हो चुका है। ये हमारा मटन बनके तैयार है, तो इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और हमें भी बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।